आतंकवाद को जड़ से उखाड़ने के लिए आज राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA और प्रवर्तन निदेशालय ED ने तमिलनाडु, केरल समेत 13 राज्यों में PFI के ठिकानों पर छापेमारी की है। छापेमारी के दौरान 100 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जिन राज्यों में NIA ने छापेमारी की है उनमें केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, असम, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र शामिल हैं। PFI और उससे जुड़े लोगों की ट्रेनिंग गतिविधियों, टेरर फंडिंग और लोगों को संगठन से जोड़ने के खिलाफ ये अब तक की सबसे बड़ी कार्यवाही है। NIA और ED ने मलप्पुरम जिले में मंजेरी में PFI के राष्ट्रीय अध्यक्ष OMA सलाम के अलावा PFI के दिल्ली हेड परवेज अहमद के घर पर छापेमारी की और गिरफ्तार कर लिया है। इस दौरान PFI कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। इसके अलावा कर्नाटक के मंगलुरु में भी NIA की छापेमारी के खिलाफ PFI और SDPI के कार्यकर्ताओं प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि इन्हें हिरासत में ले लिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने PFI पर NIA की छापेमारी को लेकर NSA, गृह सचिव, DG, NIA सहित अधिकारियों के साथ बैठक की। NIA, ED और राज्य पुलिस की संयुक्त टीमों ने 11 राज्यों में अब तक कुल 106 PFI सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जिसमें आंध्र प्रदेश में 5, असम में 9, दिल्ली से 3, कर्नाटक से 20, केरल में 22, मध्य प्रदेश से 4, महाराष्ट्र से 20, पुडुचेरी से 3, राजस्थान से 2 और तमिलनाडु से 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। PFI के राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय स्तर के नेताओं के घरों पर छापेमारी हो रही है। राज्य समिति कार्यालय पर भी छापेमारी की जा रही है। संगठन ने एक बयान में कहा कि असहमति की आवाज को दबाने के लिए फासीवादी शासन द्वारा एजेंसियों का बजट इस्तेमाल करने के कदमों का हम कड़ा विरोध करते हैं। NIA के अधिकारी तमिलनाडु के टिंडिगुल जिले में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया PFI पार्टी कार्यालय पर छापेमारी की। PFI के 50 से ज्यादा सदस्यों ने NIA की छापेमारी के खिलाफ पार्टी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। असम पुलिस ने राज्य भर में PFI से जुड़े 9 लोगों को हिरासत में ले लिया है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि कल रात असम पुलिस और NIA ने संयुक्त रूप से गुवाहाटी के हाटी गांव इलाके में अभियान चलाया और PFI से जुड़े राज्य भर में 9 लोगों को हिरासत में लिया। चार्जशीट में जिन लोगों के नाम शामिल हैं उनमें KA रऊफ शरीफ, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष अतिकुर रहमान, दिल्ली स्थित CFI के महासचिव मसूद अहमद, PFI से जुड़े पत्रकार सिद्दीकी कपन और मोहम्मद आलम के नाम शामिल हैं। बता दें कि इससे पहले NIA की टीम ने 18 सितंबर को भी तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के 40 ठिकानों पर छापेमारी की थी। इस दौरान 4 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई थी। इनमें तेलंगाना, आंध्र के 2-2 लोग शामिल थे। बताया जा रहा है कि दोनों राज्यों में 23 से ज्यादा टीमें तलाशी अभियान चल रहा है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अन्य सही बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए न्यूज़ साइट। धन्यवाद।